नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। वैसे तो राजनीति में तमाम दुनिया की बातें होती रहती हैं और राजनीति से अपना कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। नहीं भाई, लेना देना है। क्यों? क्योंकि हम इस देश में रहते हैं और राजनीति देश को चलाती है, तो हमें भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए, तभी तो हम सही तरीके से वोट डाल पाएंगे। चलिए, वो बातें अलग हैं। अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने वाला है। जी हाँ, तो ये जो समाचार है ये बहुत से लोगों को जलाने वाला है। क्यों जलाने वाला है? क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से बहुत सारे लोग यही कहकर मार्केट में प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी आडवाणी जी का और मुरली मनोहर जी जोशी जी का कभी सम्मान नहीं किया और उन्होंने उन्हें अलग रखा। भाई ये भी तो हो सकता है कि उन तीनों की मिली भगत हो ये, और जो भी हो रहा हो आज तक वो सभी उन तीनों की जो है विचार विमर्श के बाद ही हो रहा हो, ये भी तो हो सकता है। तो हम लोग एज्यूम करते रहते हैं और गड़बड़ फैलाने की कोशिश करते रहते हैं मार्केट में बहुत सारे लोग। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर नरेंद्र मोदी जी अगर आडवाणी जी के मतलब आडवाणी जी को नहीं चाहते होते तो आज उन्हें भारत रत्न मिल सकता था क्या? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लस ये बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने आडवाणी जी के साथ इतना सारा काम किया था, ये आप फोटोज़ में आराम से देख सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से आडवाणी जी का सम्मान किया है, अटल जी का सम्मान किया है, भारत माता का सम्मान किया है, श्री राम प्रभु का सम्मान किया है, और वो पूरे देश की जनता का सम्मान करते हैं और देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।